अस्सलाम वालेकुम जी सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न के रियलिटी फ्री इमेजेस अपने डिज़ाइन में कैसे यूज़ की जा सकती हैं कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां से हम फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं सो लेट्स हैव अ लुक ऑन देम तो मेरे सामने कुछ वेबसाइट्स ओपन है आ, मैं उसको वन बाय वन डिस्कस करता हूँ और हम यहाँ से एक कोई इमेज यूज़ करेंगे अपने कोटेशन डिज़ाइन के अंदर सो सबसे पहली जो रिकमेंडेड वेबसाइट है दैट इज अन डॉट कॉम आप इस वेबसाइट पर जाएं एंड यू कैन गेट रियलिटी फ्री इमेजेस दैट यू कैन यूज़ फॉर योर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और फॉर योर पर्सनल प्रोजेक्ट्स तो यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी ज़बरदस्त इमेजेस मिलेंगी सो जस्ट चूज द इमेज क्लिक टू डाउनलोड द इमेज एंड यूज़ द इमेज इन योर डिज़ाइंस तो बिल्कुल ऐसे ही वेरी सिमिलर वी हैव अनदर वेबसाइट दैट इज़ पिगजल्स डॉट कॉम इसके स्पेलिंग्स हैं पी ई एक्स ई एल एस डॉट कॉम यहाँ पर भी आपको रियोलिटी फ्री इमेज प्लस वीडियोज़ मिलेंगी जस्ट डाउनलोड द इमेज एंड यूज़ दैम इन योर डिज़ाइंस एक और हमारे पास वेबसाइट है दैट इज़ ऑलसो रिकमेंडेड pixabay.com डॉट यहाँ से भी आपको रियलिटी फ्री इमेजेस मिलेंगी जो कि आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं सो so, यहाँ पे जी मैंने pixabay पे एक इमेज ऑलरेडी चूज़ की भी है आई रोट मैन बैक ये मैंने एक कीवर्ड सर्च किया था pixabay के ऊपर सो so, मेरे पास कुछ इमेजेस आई और जिसमें से मैंने इस इमेज को चूज़ किया और हम इस इमेज को डाउनलोड करेंगे और उसको अपने डिज़ाइन में यूज़ करेंगे सो लेट्स डाउनलोड द फाइल जी तो फाइल डाउनलोड हो गई है इमेज इसको हम देखते हैं जी सो so, इसको अपने डिज़ाइन में लेके जाने के लिए इसको डिज़ाइन फाइल में लेके जाने के लिए दो मैथड्स आप यूज़ कर सकते हैं पहला मैथड दैट इज़ वेरी सिंपल कि आप अपने दोनों विंडोज़ को ओपन uh, कर लें और जहाँ पे इमेज पड़ी है वहाँ से इमेज को ड्रैग करें और उसको रिलीज़ कर दें अपने डिज़ाइन फाइल के अंदर और इमेज आपकी डिज़ाइन फाइल में डिस्प्ले हो जाएगी दिस इज़ द वन मेथड इसको हम यहाँ से जी डिलीट करते हैं एंड द सेकेंड मेथड इज़ कि आप लोग ऊपर जो मेन्यू है उसमें फाइल पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी प्लेस मैंने प्लेस पर क्लिक किया डेस्क टॉप पर जाते हैं और मैं इस इमेज पर क्लिक कर रहा हूँ इसको करते हैं जी प्लेस जैसे हम शेप्स को ड्रॉ करते हैं बिल्कुल ऐसे ही हम इमेज को यहाँ पे एक तरह से ड्रा कर लेंगे आपको जिस भी साइज में चाहिए सो वी हैव द इमेज इसके बाद दोबारा सेलेक्शन टूल लेते हैं हम अपने इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देते हैं बिकॉज वी डू नॉट नीड दैम इसके बाद जी हम अपनी इस इमेज को ट्रैक करते हैं सलेक्शन टूल से और इसको प्लेस करते हैं अपने कोटेशन वाले आर्टबोर्ड के अंदर सो so, इसको मैं रीसाइज करूँ रीसाइज करने के लिए हम उसी बेस्ट प्रैक्टिस को यूज़ करेंगे कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करें और उसके बाद इसको रीसाइज करें ये देखें अगर मैं शिफ्ट को प्रेस नहीं करूँगा उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि मैं अपनी इमेज को ख़राब कर लूँ सो शिफ्ट को प्रेस करें और इसको रिसाइज़ कर लेते हैं अब हम अपना कंटेंट देखना चाह रहे हैं तो ये भी हमने सीखा था कि कंटेंट को विजिबल कैसे करना है सो लेट्स गो इनटू द लेयर्स प्रॉपर्टीज़ पैनल ये इमेज सबसे ऊपर है इस इमेज को हम ड्रैग करके बैक साइड पे ले जाते हैं बट स्टिल जो हमारी बैकग्राउंड रेक्टेंगल था वो सबसे पीछे है एंड दैट इज़ नॉट विज़िबल सो दैट इज़ नॉट द इशू इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं इफ़ यू डू नॉट नीड इट सो इसके बाद ही हम अपने इमेज को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और अपने कॉन्टेंट को एडजस्ट करते हैं इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ ऐसे इमेज को हम ड्रैग करके थोड़ा सा अंदर को लेके आते हैं इसको थोड़ा सा रीसाइज करते हैं इसको थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं ठीक है जी थोड़ा सा वापस ले आते हैं इसको थोड़ा सा मज़ीद नीचे को मूव करते हैं और मैं समझता हूँ कि यस दिस इज़ गुड तो ये हमारे पास इमेज प्लेस हो गई सो अब आप इसको जब सेव करेंगे तो आपको पता है कि अगर आपको सिर्फ़ ये वाला कंटेंट चाहिए जो आर्टबोर्ड के अंदर है सो बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट में जाएं, एक्सपोर्ट एज़ करें और यहाँ से हम आर्ट बोर्ड का नंबर चूज करेंगे एंड दैट इज़ आर्ट बोर्ड नंबर वन तो हमें ये वो फाइल सेव करके देगा जो हम फाइल सेव करना चाहते हैं सो लेट्स सेव द कोटेशन डिजाइन वरियन 3.0 पॉइंट ओ एंड लेट्स एक्सप्लोर इट जाते हैं जी जाके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स हैं सो दिस इज़ वट वी हैव ये उसने हमें सेव करके दिया लेकिन अगर आप यहाँ से आर्टबोर्ड सेलेक्ट नहीं करेंगे सो यू नो कि ये आपको क्या सेव करके देगा सो so मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा सेव करके दिखा देता हूँ मैं आर्टबोर्ड सेलेक्ट नहीं कर रहा, इसको हम वर्यन 4.0 कहते हैं लेट्स एक्सपोर्ट इट और देखते हैं जी इसने हमें क्या एक्सपोर्ट करके दिया सो so अब इसने आर्टबोर्ड सिर्फ एक्सपोर्ट करके नहीं दिया बल्कि पूरे कैनवास के ऊपर पूरी फाइल के ऊपर जहाँ तक हमारा आर्ट वर्क था फ्रॉम द लेफ्ट साइड द राइट साइड टॉप एंड बॉटम वो उसने सारा कॉन्टेंट हमें सेव करके दे दिया सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ आर्ट बोर्ड्स एंड देयर नंबर्स सो लेट्स मूव ऑन अपना लैपटॉप ओपन करें अपनी फाइल ओपन करें कोई भी इमेज अनस्प्लैश से है से पिक्सेल है से डाउनलोड करें जो कि रेलिवेंट हो आपकी कोटेशन से डिफरेंट भी हो सकती है फॉर द प्रैक्टिस पर्पज़ उसको प्लेस करें और अपनी फाइल को सेव करके देखें सी यू इन द नेक्स्ट लेसन थैंक यू सो मच